बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगे पीएम मोदी के कटआउट पर अब सियासत होने लगी है। सत्तारूढ़ दल जेएमएम और सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने पीएम मोदी के कटआउट पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान देश भर में पीएम का ग्राफ गिरा है, जिसको लेकर बीजेपी बेचैन है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश कार्यालय में अगर आप घुसेंगे तो आपको हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े ऐसे पोस्टर्स दिख जाएंगे। इन तस्वीरों को देखने का आपका अपना नजरिया हो सकता है, पर प्रदेश बीजेपी का नजरिया कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी से सीख लेना है। सामान्य से व्यक्ति ने किस तरह से अपने आप को माचते हुए संघर्ष के रास्तों को अख्तियार करते हुए सत्ता के सिंहासन में पहुंचते हैं और फिर वहां से किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं पूरे राज्य के देश की जनता के लिए, ये प्रेरणा हमें लगातार उनके जीवन से मिलती है। और मुझे इस बात का गौरव भी है कि हम लोग उनके फॉलोवर हैं, हम उनके सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। बात नजरिए की हो रही है तो झारखंड के सत्ता पक्ष और केंद्र के विपक्ष का अपना नजरिया है। समझना जरूरी है कि वो नजरिया क्या है। गुमराह करने में अब नाकाम हो गए हैं प्रधानमंत्री जी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक ड्यूटी दी गई है कि जो अपने कम से कम पार्टी के लोग हैं वो कहीं उनके प्रभाव में नहीं आ जाए आदरणीय राहुल गांधी जी के, तो इसलिए इस तरह से उनको गुमराह करने के लिए एक कहिए कि कटआउट्स लगा करके उन पर एक प्रभाव छोड़ने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं एक हताशा का भावना भारतीय जनता पार्टी में आने लगा है। आने वाले आगामी जो चुनाव आएंगे विभिन्न राज्यों में केंद्र में, आपने देखा होगा कि बंगाल ऐसे राज्य में भी तमाम तरह की जितना भी प्रयास करना था प्रधानमंत्री को उन्होंने किया, लेकिन उनके गिरते ग्राफ का ही नतीजा था वहां पूरी तरह से वो बाहर हो गए। अब पीएम के गिरते ग्राफ को बढ़ाना मकसद है या फिर इन कटआउट्स के साथ प्रधानमंत्री के व्यवसायिक मित्रों के कटआउट्स लगाने के सजेशंस हो, लेकिन एक बात तो तय है, कटआउट्स भी अब सियासी मुद्दा जरूर हो गया है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।